भरत जी, तुमची फिल्म आहे यावर्षी मामीला, तर त्याबद्दल थोडक्यात माहिती द्या. मेरा फिल्म मराठी टॉकीज में एक शॉर्ट फिल्म है, डॉक्यूमेंट्री. हमने ये जो भंडारा फेस्टिवल होता है, टर्मरिक फेस्टिवल हल्दी का, वो जेजुरी में हमने बनाया था, तो वही फिल्म को हमने इधर दिखाया है. एंड हम वर्चुअल भारत के उसमें ऐसे छोटे छोटे यूनिक कहानियाँ पूरे देश से हम बना रहे हैं. और हर एक फिल्म 10 मिनट है और उसमें हम बहुत ही सिनेमैटिक बनाते हैं एक एक कहानी को. तो महाराष्ट्र में हमने 4 फिल्म बनाया है अभी तक. एक तो भंडारा जो प्रीमियर हुआ है इस साल जियो मामी में, उसके पहले हमने मीरज में तानपुरा के बारे में, एक फैमिली के बारे में बनाया था. और दूसरा है फागनी के एक विलेज है ताने में डिस्ट्रिक्ट में, उधर हमने अज्जी बाई द शाला किया, जो अज्जी साहब हर फ्राइडे सैटरडे संडे स्कूल जाते हैं. जो 65 ईयर्स से ऊपर हैं वो स्कूल बैग लेके स्कूल जाते हैं. तो वैसा एक फिल्म बनाया है. तो फोर्थ फिल्म मैं एक सिटी में बनाया है यहाँ पे ऑन मुंबई में ऑन पहलवान कहके. या तो ये सब पूरे देश से सब जगह कॉर्नर से हम बना रहे हैं. छत्तीसगढ़ में रामनवमी बनाया है, हल्दार नाग एक आदिवासी कवि हैं उड़ीसा के, उनके ऊपर फिल्म बनाए हैं. मनु मास्टर कहके एक बहुत ही जाने माने उस्ताद हैं भरतनाट्यम के, उनके साथ कन्याकुमारी में फिल्म बनाई है. तो बहनी साहिब कहके पंजाब में एक गांव है जहां हर बच्चे क्लासिकल संगीत सीखते हैं पूरे गांव में सब बच्चे, तो उसके ऊपर एक बढ़िया फिल्म बनाया है. तो ये जेजुरी का जो भंडारा है उसका महत्व ये है कि इस कहानी को महाराष्ट्र के कुछ लोग जानते हैं, सब लोग नहीं जानते. हम ऐसे कहानियों को पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं. एक वर्चुअल भारत कहके हमारा चैनल है यूट्यूब में, उसके मुताबिक हम उसके द्वारा हम ये सब फिल्म दिखा रहे हैं. सब फिल्म बहुत ही हाई क्वालिटी में बनाई गई है, लाइक डॉल्बी विजन जो आजकल कहते हैं उसमें बनाया है, और डॉल्बी साउंड में मिक्स करते हैं. एंड कहानी भी हर एक ह्यूमन स्टोरी है. तो जेजुरी जो हल्दी की फेस्टिवल होती है वहाँ पे जेजुरी में, उसमें एक महत्व चीज़ क्या है कि लोगों से हमने पूछा इसमें क्या महत्व है, तो वो बोले कि आजकल कुछ 7-8 साल से लाखों लोग आ रहे हैं उधर, बोलते हैं कि लोगों की समस्या बढ़ गई है. और समस्या बढ़ गई और उसका हल सरकार या खुद नहीं देख पा रहे, तो वो भगवान भरोसे आ रहे हैं हल निकालने के लिए. तो ये जो फेथ है, ये जो एक ये जो हमारे ट्रेडिशन में एक बिलीफ सिस्टम है, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है ये कि लोग आए और उन्होंने मन्नत ली कि उनकी समस्या सॉल्व हो जाए. एंड तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था कि एक भरोसा रखते हैं, और ऑल यंग पीपल भी इतना भरोसा रखते हैं कि ये वो आके इस भंडारा में पार्टिसिपेट करते हैं, और उनकी एक बिलीफ है कि ऐसे मिलने से उनका जो प्रॉब्लम है वो हल निकलेगा. तो ये सोच बहुत ही इम्पोर्टेंट थी. तो उन्होंने कहा कि लोगों की समस्या बढ़ गई और लोग भी बढ़ गए भंडारा में. बहुत ही यूनिक विजुअली, बहुत ही सिनेमैटिक है, ऐसा पूरा जेजुरी हल्दी से भरा हुआ है. तो आसमान से धरती तक हल्दी है,
बहुत ही दृश्य देखने के लायक है। आपके जो अभी आपने सब्जेक्ट बताए काफ़ी अलग थलग है, तो इसके लिए ये सब्जेक्ट का चुनाव और रिसर्च किस तरह से करते हैं आप? अभी हम ये कुछ 10 साल से कर रहे हैं, तो हम कल्चर को दिखाना चाहते हैं। इस देश की कल्चर जो है, जो रीति रिवाज है, बट उसको कैसे हम हट के दिखाएं ताकि आज के यंगस्टर्स उसको देख सकें और उसको बहुत लाइक करें और उसके उनमें एक उत्साह है कि इसको हमें जानने की उत्साह आना चाहिए। तो उसीलिए हम रिसर्च करके जैसा कहानी बताते हैं ना, वो तरीका, वो सिनेमा का लेना, द हाउ सिनेमैटिक लेंगे, चाहे हो साउंड डिज़ाइन हो, एडिटिंग हो, सिनेमाटोग्राफी हो, सभी बहुत ही हाई क्वालिटी होता है। ताकि आप अगर आप देखेंगे, ये नहीं कि बोलेंगे कि ये एक छोटा डॉक्यूमेंट्री है, यू नो इट इज़ विद द बेस्ट ऑफ एनी फीचर फिल्म जैसा लगेगा। तो रिसर्च वगैरह कैसे करते हैं? और तो हमारे पास, हमने ऐसे 300 कहानियां पूरे देश से रिसर्च करके रखी है। 104 फिल्म हमने ख़त्म की है, फिल्म की है अभी तक। उसमें से 25 फिल्म हमने रिलीज़ की है YouTube में, वर्चुअल भारत चैनल में, और या आप virtualbharat.in वेबसाइट में देख सकते हैं। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा जो कहानी है, उसके बाद क्या इंफॉर्मेशन है, फ़ोटो फीचर भी है। अभी हमारा नवंबर 3 को हम गौमुख में फिल्म बनाया है, जहाँ गंगा की ओरिजिन वो ग्लेशियर में, तो हम तपोवन तक गए थे, ऊपर 16,000 फीट में जाके हमने फिल्म किया है। तो वो आ रहा है, नवंबर 3 को रिलीज़ हो रहा है। क्वाइट डिफरेंट वेंचर है आपका। नॉर्मली लोग ग्लैमर के पीछे भागते हैं और भारत की संस्कृति दिखाने पे तुले हैं। संस्कृति में इतना ग्लैमर है कि हमने देखा नहीं है, जब देखेंगे ना तो आप जुड़ जाएंगे उसके साथ। आगे क्या कर रहे हैं, मतलब इस फिल्मों के सिवा फीचर फिल्म वगैरह का कुछ प्लान है? हाँ, जो पहला, जो इसके पहले मैंने एक मरियान कहके तमिल फिल्म किया था धनुष और पार्वती के साथ, और रहमान ने म्यूज़िक भी किया था। तो अभी एक हिंदी फिल्म की तैयारी चल रही है, अगले साल हम कुछ अनाउंस करेंगे उसके बारे में। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।